दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ज़्यादातर लोग दिन भर में उतना पानी नहीं पीते जितना कि उनको ज़रूरत होती है, जबकि पानी पीने की आदत लंबे वक्त तक फ़ायदा पहुंचाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी पीने में आलस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पानी पीने से न सिर्फ आप हेल्दी रहते हैं बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। तो आइए जानते हैं कम पानी पीने से शरीर को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहले बात करेंगे कितना पानी रोजाना पिएं। जैसे कि हमने बताया, शारीरिक रूप से बेहद सक्रिय रहने या फिर कसरत करने वालों को 1.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन गर्मियों में शरीर से काफ़ी पसीना निकल जाता है, ऐसे में 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं। अब सेहत से जुड़े फायदे, उनके ऊपर बात करते हैं। पेट को साफ करें। अगर आप पेट की समस्या से दुखी हैं तो आपके लिए पर्याप्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पेट साफ रखने के लिए गर्म पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा हमारे पाचन तंत्र को मिलता है। गर्म पानी पीने से आंतों में जमा मल आसानी से निकल जाता है, जिससे आपका पेट साफ रहता है। और अगर आपको कब्ज़ की परेशानी है तो ये उसमें भी आराम दिलाता है। शरीर से टॉक्सिन्स निकालें। पानी पीने से किडनी बेहतर काम करती है और यूरिन भी साफ होता है। ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और शरीर को अंदर से साफ करता है। गुनगुने पानी के ग्लास में कुछ बूंदें शहद और नींबू के रस के मिलाकर सुबह सुबह पीने से सेहत को बहुत फायदा मिलता है। मुंह की बदबू दूर करें। पानी पीने से आपका मुंह नम रहता है और खाद्य कणों और बैक्टीरिया को साफ करता है। ये बदबूदार यौगिकों को भी पतला करता है जो मुंह के बैक्टीरिया बनाते हैं। इससे आपके मुंह में किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती। जो लोग कम पानी पीते हैं उनके मुंह से दुर्गंध आने की समस्या बनी रहती है, जो आगे चलकर और बढ़ जाती है। हार्ट को हेल्दी रखें। आपका हृदय बेहतर तरीके से काम करता है अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा का स्तर सही है। दिन भर में कम से कम 5 ग्लास पानी हार्ट अटैक की संभावना को 41% तक कम कर देते हैं। शरीर में एनर्जी बढ़ाए। पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और ऊर्जा का स्तर भी तेजी से बढ़ता है, जिससे आप ज़्यादा देर तक चुस्त और फुर्तीले रह पाते हैं। खास तौर से सुबह के वक्त पानी की अच्छी मात्रा आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। ब्यूटी से जुड़े फायदे। ड्राई और डिहाइड्रेटेड त्वचा पर समय से पहले झुर्रियाँ दिखने लग जाती हैं, जबकि अगर आपकी त्वचा में नमी होगी तो आपकी कोशिकाएँ फिर से नई हो जाएंगी, जो झुर्रियों को रोकेंगी। इसलिए हर दिन कम से कम 2 लीटर पानी पिएं। इसके अलावा अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारें और त्वचा पर आइस क्यूब्स लगाएं, इससे त्वचा के पोर बंद हो जाएंगे। रोम छिद्र खोलें। चेहरे की सफाई के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, जब बात त्वचा की गंदगी और अशुद्धियां निकालने की होती है। हालांकि इसके लिए सादा पानी काफ़ी नहीं होता बल्कि गर्म पानी के भाप की ज़रूरत होती है। ऐसा करने से रोम छिद्र खुल जाते हैं और गंदगी बाहर निकल जाती है। गंदगी साफ हो जाने के बाद रोम छिद्रों को बर्फ़ की मदद से बंद करना ना भूलें। इस प्रक्रिया से आपका चेहरा खिल उठता है। बालों को स्वस्थ रखें। आपके बालों को पानी की चुवन की ज़रूरत होती है। पानी से आपके सर की त्वचा साफ हो जाती है और नेचुरल ऑयल लेवल बना रहता है। सेलिब्रिटीज समेत बहुत से लोग बालों को शैम्पू के बजाय सिर्फ पानी से धोना पसंद करते हैं, ताकि उनके बाल स्वस्थ रहें। वाटर बेस्ड मेकअप। अगर आपकी त्वचा तैलीय है या फिर आपको मुहासे जल्दी हो जाते हैं तो आपको वाटर बेस्ड मेकअप करना चाहिए। उससे आपके रोम छिद्र नहीं खुलते, लेकिन ध्यान रखें कि लिक्विड कॉस्मेटिक में बैक्टीरिया जल्दी पैदा होता है, इसलिए एक्सपायरी डेट का ख्याल रखें। त्वचा की लालिमा को कम करें। जिन लोगों की त्वचा बहुत अधिक गोरी या सेंसिटिव होती है, उनके नॉर्मल स्क्रब करने या फिर चेहरे पर थोड़ा दबाव डालने से ही त्वचा लाल हो जाती है। इसे दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। बर्फ़ के पानी में रुई भिगोएं और अपने चेहरे पर लगाएं। 1-2 मिनट ऐसा करने से ही चेहरे की लालिमा कम होने लगती है। दोस्तों पानी वाकई में जिंदगानी है, और बात जब सेहत और सुंदरता की हो तो उस वक्त पानी बड़ा अहम हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।